वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? अरबाज। अरबाज भाई, पहले तो अपनी शॉप का नाम बताएं। खलील अहमद ब्रादर के नाम से। सही है। और ये मुझे बता देंगे अगर कोई हमारे व्यूवर्स यहाँ पर आना चाहे तो किस तरह आ जाए, आसान सा बता। जोड़िया बाजार खोड़ी गार्डन मशहूर गली है। अच्छा, मशहूर गली है खोड़ी गार्डन। अच्छा, ये हम लोग वैसे तो ड्राई फ्रूट नजर आ रहा है, तो ड्राई फ्रूट की तमाम अकसाम होती है हमारे पास या कुछ मखसूस में काम करते हैं? तकरीबन। अच्छा, वैसे ये आप लोग कहाँ से लेते हैं? मार्केट परचेज करते हैं या अपना कोई इंपोर्ट करते हैं बाहर से? अपना भी इंपोर्ट होता है, कुछ मार्केट से भी लेते हैं। अच्छा अच्छा सर, ये अखरोट एक नजर आ रहे हैं मुझको, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? ये कागजी अखरोट है चाइना का। अच्छा, चाइना का। तो चाइना से ही आता है या लोकल कराची में मिल जाता है? चाइना का ही। अच्छा, चाइना का आता है। इसके अंदर अखरोट के अंदर अपनी कितनी अकसाम होती है? 3 से 4 है। देसी घी, ये क्या सब मिलता है हमारा? ये भी 680 रुपए किलो है। 680 रुपए किलो है, नया माल है कागजी अखरोट। अच्छा, नया माल है। अच्छा, और दूसरा है कि हम यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं? ऑनलाइन कोई भी नहीं करता। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह काम नहीं करते, होलसेल की मार्केट है, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये बादाम नजर आ रहे हैं, ये कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान है, देसी बादाम है, काटा बादाम, 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो देसी बादाम और अफगानी बादाम है। इसकी कोई और अकसाम होती है? और है, इसके कागजी बादाम है, ये 1800 रुपए किलो। अच्छा, नरम छिलका होता है इसका, आराम से टूट जाएगा, मतलब हाथ वगैरह से भी टूट जाता है? तोड़े ना एक को? एक अच्छा, ये वाला हाथ से टूट जाएगा? 2000 रुपए किलो है। अच्छा, 2000 रुपए किलो। ये कहाँ का है भाई? ये अमरीका में, ये हाथ से टूट जाएगा। ये ले जनाब, ये देखें, ये हाथ से टूट गया और ये 2000 रुपए किलो है जी। और वो आपने इससे पहले दरमियान में जो 1800 रुपए, ये अमरीका में, ये अमेरिकन है। कौन सा बादाम कहलाता है? खली बादाम। खली बादाम। ये किस वाले बॉस कहाँ से? देसी छुआरा है, मीरपुर खास, 70। और इसकी क्या हिसाब है इसका? ये 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो। और इसी तरह इंगेज इससे है, ये क्वालिटी के अंदर, ये 480 रुपए। 480 रुपए। और ये नर छुआरा? ये नर छुआरा है। नर छुआरा इसको क्यों कहते हैं? जैसे ही लोगों ने बना दिया, ताकतवर कुछ ज्यादा होता है ये, गरम ना, साइज में बड़ा होता है, साइज में ये बड़ा होता है। वैसे ये भी 70 का होता है, 70 नवाब का। और ये क्या हिसाब होता है? 640 रुपए किलो। 640 रुपए किलो। वैसे इन्होंने रेट भी जनाब लिख के भी लगाए। ये देखिए मखाना है, 4000 रुपए किलो। अच्छा, ये मखाना कहाँ का है? ये इंडियन होता है। अच्छा, इंडियन होता है। और ये चार महीना से दिमाग के लिए बेहतरीन चीज है, 1800 रुपए पंजीरे के इस्तेमाल में आता है। तरबूज के होता है? तरबूज के, अभी तरबूज के। और उसके आगे का लगा हुआ गोंद है, 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो। ये भी पंजीरी के इस्तेमाल में आता है। अच्छा, गोंद वैसे होता कहाँ का? ये देसी है, देसी गोंद पानी है। अच्छा, पानी है। वो किस्म होती है जी? मतलब ये कहाँ की है? ये अफगानिस्तान। 720 रुपए किलो है अफगानिस्तान। ये साइज में इससे बड़ी है, 800 रुपए किलो। अच्छा, ये साइज में उससे बड़ी है, 800 रुपए किलो। ये चना भी होता है, 680 रुपए फूल चना है, इसमें कड़क दाना नहीं होगा। चना के कोई से नंबर वगैरह होता है? नंबर होता है। ये कौन से नंबर का है? 11 नंबर है। 11 नंबर का चना है। और ये जनाब 680 रुपए किलो। पिस्ता है 3200 रुपए किलो। 3200 रुपए किलो नमकीन पिस्ता है रानी। सादा भी आता है मगर वो अभी नहीं है। अच्छा, ताजा अभी तकरीबन 4000 रुपए किलो है जी, मगर साइज में इससे बड़ा होगा। वो बनाते हैं, बनाते हैं। ये कौन से बादाम है? वो देसी बादाम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और ताकतवर बादाम है। ये क्या हिसाब होगा? ये 5200 रुपए किलो है। 5200 रुपए किलो। और ये जो आपने ये 2240, ये अमेरिकन है। अमेरिकन है, मतलब ये अमेरिकन क्या कहते हैं, सस्ता है। और ये कहाँ के? ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का महंगा होता है। इसके मिसाल ये समझ रहे हैं, ये देसी अंडा है, ये फार्मी अंडा है। अच्छा, यूं समझ रहे हैं। बाकी ये बादाम इससे बड़ा भी होता है, कहाँ पर? अमेरिकन पापलेट। और ये क्या हिसाब देंगे? 2600 रुपए किलो है। 2600 रुपए किलो। अब जैसे आपको पिस्ता मैंने दिखाया था 3200, इससे आला क्वालिटी है, 3800 रुपए। ये भी रानी डोडी, ये रानी डोडी कहलाता है। काजू है, इंडियन काजू है। इंडियन काजू। अच्छा, काजू होता है इंडियन में या पाकिस्तान के अंदर भी पैदा होता है? पाकिस्तानी नहीं होता, इंडियन है, वियतनाम है। इंडियन है, वियतनाम। उसके अलावा मसाले के आइटम भी हमारे पास। अच्छा, मसाले में जी ये तुक मलंगा है, दखनी मिर्च है, व्हाइट पेपर, ये अलसी का बीज है, ठीक है। और फिर क्या रखा हुआ? जायफल है, काला जीरा है। सही है। और ये कीमतें सबके ऊपर? सब पे लिखती है जी जी। ये सौंठ है, सूखी भी अदरक। ये फली है, चाइना फली होती है, चिली भी। अच्छा, ये क्या हिसाब है? 880 रुपए किलो। 880 रुपए किलो। ये बादियन का फूल है। सही
बिरयानी का फूल 2200 रुपए किलो। सौंफ लगी हुई है, सौंफ है, कलौंजी है। सही है, सौंफ पे क्या रेट है? 960 रुपए किलो है। कलौंजी, कलौंजी 920 है, व्हाइट तिल। व्हाइट तिल, मतलब तिलों की मैंने सुना बड़ी वो किस्में होती है, काला और व्हाइट होता है। काला व्हाइट है, और ये सारा बिल्कुल सही 800 रुपए किलो लिखा है। जी जी, ये धनिया का मगर से, धनिया गिरी जिसको कहते हैं, धनिया का मगर है। ये ब्राउनी क्या लिखा है? ये जावत्री है, जावत्री है, मसाला। ये नहीं, इलायची इन्होंने खुद लिखा हुआ है 6000 रुपए किलो है। ये भी कोई इलायची, ये कौन क्या है, इसके फर्क बता सकते हो? साइज का फर्क है, ये छोटी है, जम्बो इलायची है। साइज का फर्क है, 600 रुपए किलो है और 6000, 7200 है। 6000, 7200, ये क्या चीज है? ये इंडियन स्पा बॉल है, इंडियन स्पा बॉल 4400 रुपए किलो है। किलो ठीक है, और ये मखाने आ जाते हैं जनाब, इसी तरह ये भी 4000 रुपए, 4000, अभी 6400 रुपए किलो का भी कम होगा इस पर। अच्छा, कम हो गए हैं फिर। इसी तरह ये पहले आपको बता चुके हैं, ये पांच मगज कहलाता है, गोंद कहलाता है, फिर इसी तरह ये खुबानी, फिर वो छुहारे वगैरह तो आपको वैसे ऑलरेडी दिखा चुके हैं। गजक वगैरह भी होती है अपने पास? जी, हैदराबादी गजक है, बेहतरीन। सही है, क्या ये 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो। और ये छिली मूंगफली क्या? मूंगफली भुनी हुई है, 800 रुपए किलो। भुनी हुई है, भुनी हुई है और छिली हुई है। ये हम लोग है, हम लोग, ये कैसा दे रहे हैं? 280 रुपए किलो है, 280 रुपए। ये जो अपने पास नया माल है, इसको 4-5 दिन आप रखेंगे ब्राउन हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्रेश है, मतलब नया माल है, बिल्कुल फ्रेश। कैसा दे रहे हैं? ये अभी 3200 रुपए किलो है, 3200 रुपए किलो। बेहतरीन इंजीर है। नहीं, मैंने कुछ सुना था कि कुछ केमिकल से सफाई वगैरह कर? नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये हमारे पास मसाले के भी आइटम है, तकरीबन कंप्लीट मसाला होता है। ये इंडियन है, बिना पॉलिश का ही 640। जी जी, ये पारस अनार है, पारस अनार 1000 रुपए किलो है। जी, ये ईरानी किशमिश है, 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए, ये देसी किशमिश है, 800 रुपए किलो। ये ईरानी आलू बुखारा है, चटनी वगैरह के खाने के लिए। ये क्या सब देते हैं? 960 रुपए किलो। ये बिरयानी वाला कंदारी आलू बुखारा। ये वाला जी, फर्क है ना, वो खट्टा होता है, बिरयानी के इस्तेमाल में आया। ये मीठा होगा जी, जी ये पहलवान रेवड़ी भी होती है। ये पहलवान रेवड़ी क्या सब दे रहे हैं? 600 रुपए किलो है। ये कहाँ की होती है? चकवाल से आती है, प्योर पहलवान है। देसी घी की होती है, बेहतरीन मजेदार रेवड़ी, मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। कोई वो सोना तो है नहीं आपके पास, जो ड्राई फ्रूट का सोना कहलाता है, चिलगोजा है जनाब, छुपा के रख रहे हैं, इसके रेट बहुत ऊपर हो गए हैं। छुपा के मतलब पैकिंग के अंदर? ये लूज में नहीं है अपने पास? लूज में भी अच्छा माल नहीं आ रहा। सही है, ये कहाँ का है वैसे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का 200 ग्राम का पैकेट है, 3200 रुपए का, 3200 रुपए का 32 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो ये किलो कितना पड़ गया भाई? 16000 रुपए, 16000 रुपए किलो पड़ी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, आप हर चीज़ का रेट मिलता है, जो आपको चीज़ चाहिए, जो आपकी जेब इजाजत देती है, वो यहाँ पर आप आराम से इजीली परचेजिंग करें, शॉपिंग करें। बहुत बहुत स्टाफ भी बहुत है यहाँ पर, और रेट भी यहाँ पर पूरी मार्केट में सबसे ही कम मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा।